हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप बोर्ज एटॉमिक मॉडल जरूर देख लीजिए, है ना। प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक गिवन है ना। मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो वीडियो है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और बोर्ज एटॉमिक मॉडल, ये एक दूसरे से कनेक्ट है। ठीक है, तो जब तक आप वो वीडियो नहीं देखेंगे ये वीडियो भी समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहली बात तो यहां पर ये है कि हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, है ना। हाइजेनबर्ग एक फिजिस्ट थे, जर्मन फिजिस्ट थे, उन्होंने अपना एक प्रिंसिपल दिया था, इसे कहते हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब यहां पर एक वर्ड आया है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, अनफिक्स, है ना, कोई निश्चित नहीं है, डेफिनेट नहीं है, फिक्स नहीं है, है ना, अनसर्टेन है, अनिश्चित है। अब देखिए यहां पर अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल दूंगा, उससे आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, और वो एग्जांपल अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो फिर ये पूरा वीडियो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल रहेगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, जब तक आप इस चैनल पर हैं, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको टेंशन कतई नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है, चलिए अब एक बात मैं आपको बताऊं कि जो बोर्ज एटॉमिक थ्योरी थी, बोर्ज एटॉमिक मॉडल, उसमें ये क्या थे, ऑर्बिट्स थे जिनको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे के से, एल से, है ना। तो बोर ने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फिक्स वेलोसिटी के साथ में, है ना, फिक्स रेडियस में, यानी कि रेडियस का मतलब ऑर्बिट्स में, फिक्स वेलोसिटी के साथ में, फिक्स रेडियस के साथ में, मतलब सब कुछ फिक्स होता था, है ना, फिक्स वेलोसिटी, फिक्स ऑर्बिट, फिक्स रेडियस के साथ में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते थे न्यूक्लियस के चारों तरफ। ठीक है, ये बोर ने कहा था, इसीलिए मैंने आपको पहले बताया कि आप बोर्स एटॉमिक मॉडल देख लीजिए। ठीक है, तो बोहर ने क्या कहा था कि फिक्स वेलोसिटी के साथ में, फिक्स रेडियस के साथ में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ अपने ऑर्बिट्स के अंदर। अब उसने क्या कहा कि सब कुछ फिक्स है, पर हाइजेनबर्ग भाई साहब ने क्या कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है इस यूनिवर्स में। हमें भी पता है कि कुछ भी फिक्स नहीं है, किसी भी टाइम पर कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इसको हम एक जनरल एग्जांपल से समझते हैं, एक डेली लाइफ का एग्जांपल है। सपोज कीजिए कि आपका एक दोस्त है, है ना, आपने उसको बोला, आप दोनों ने प्लानिंग बनाई कि हम मूवी देखने चलेंगे, है ना, रात में 8 बजे। ठीक है, रात को 8 बजे हम मूवी देखने चलेंगे, तो ये पॉसिबल है क्या कि आप 100% 8 बजे निकल जाओ अपने घर से मूवी देखने के लिए, है क्या पॉसिबल? यहां पर 0.00001% ऐसी पॉसिबिलिटी बनेगी कि आप एग्जैक्ट 8 बजे नहीं निकल पाएंगे। 8:02 हो गए, 10 सेकेंड हो गए, 15 सेकेंड हो गए, 4 सेकेंड हो गए, कुछ इस तरह से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, है ना। जैसे कि मम्मी ने बोल दिया कि ये कुछ काम है, ये करना है, तो थोड़ा सा लेट हो गए। पापा ने बोल दिया कि ये काम है तो ये थोड़ा सा देख लेना, ये कर देना, तो आप थोड़ा सा लेट हो गए, तो आप क्या 8 बजे निकल गए? बिल्कुल भी नहीं निकले। तो इसको कहते हैं अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, अनफिक्स, है ना, कुछ डेफिनेट नहीं है इस पूरे यूनिवर्स में, कुछ भी डेफिनेट नहीं है। पर बोर भाई साहब ने क्या कहा था कि सब कुछ फिक्स है, फिक्स रेडियस के साथ, फिक्स रेडियस में, फिक्स वेलोसिटी के साथ में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता, फिक्स वेलोसिटी के साथ में, फिक्स रेडियस के साथ में सब कुछ फिक्स है, तब तो हम इलेक्ट्रॉन को देख सकते थे, पर भैया आज तक हम इलेक्ट्रॉन को नहीं देख पाए हैं, क्योंकि अगर हम उसकी वेलोसिटी का पता लगा ले तो उसकी रेडियस का पता नहीं लगेगा, मतलब कुछ ना कुछ अनसर्टेन होगा ही होगा। ठीक है, तो यही कहा था हाइजेनबर्ग ने कि जो इलेक्ट्रॉन है, है ना, वो क्या है कि उसमें अगर हम मोमेंटम का पता लगा ले तो उसकी पोजीशन जो है उसका सही से पता नहीं लगा सकते हैं, है ना, और अगर पोजीशन का पता लगा ले तो उसका मोमेंटम जो है या जो वेलोसिटी है उसका पता हम नहीं लगा सकते, एग्जैक्ट पता हम नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहा गया है। चलिए अब इसकी थ्योरी देखते हैं। आई होप मुझे इस थ्योरी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा लग रहा है मुझे। चलिए क्या लिखा है, इन 1927 अ जर्मन फिजिस्ट
वर्नर हाइजेनबर्ग गेव अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू दिस इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजिशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम और वेलोसिटी ऑफ अन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको जो समझाया वही लिखा है यहाँ पर और कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पर ईयर लिखा है। जर्मन फिजिस्ट थे, है ना, वर्नर हाइजेनबर्ग, उन्होंने अपना जो प्रिंसिपल है वो दिया था, तो उसे हम कहते हैं अनसर्टेनिटी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली, साथ साथ में साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजिशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम और वेलोसिटी ऑफ अन इलेक्ट्रॉन। हम किसी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट वेलोसिटी और एग्जैक्ट पोजिशन पता नहीं कर सकते हैं एक साथ में। अगर हमने एग्जैक्ट पोजीशन पता कर ली तो एग्जैक्ट मोमेंटम हम पता नहीं कर सकते हैं, और एग्जैक्ट मोमेंटम हमने चेक कर लिया, पता कर लिया, तो हम एग्जैक्ट वेलोसिटी पता नहीं कर सकते हैं। यही कहा था हाइजेनबर्ग ने। अब यहाँ पर मैथमेटिकली हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, लिखा है डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। हम कुछ ना कुछ मिस्टेक जरूर करेंगे, और वो मिस्टेक कितनी हो सकती है, कम से कम एच अपॉन 4 पाई के इक्वल तो होगी ही होगी, या इससे ज्यादा भी हो सकती है, है ना। लिखा है डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, एच अपॉन 4 पाई के इक्वल भी हो सकती है या ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, चलिए, तो ये था मैथमेटिकली कि किस तरह से हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो सिंबल यूज किए हैं हमने, डेल एक्स क्या है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल पी क्या है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम और वेलोसिटी। ठीक है, एच क्या है ये हमें पता है, एच का मतलब होता है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। ठीक है, एच का मतलब क्या होता है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, है ना, ये हम पढ़कर आए हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर। ठीक है, तो डेल एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम और वेलोसिटी, और एच क्या है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो आई होप आपको आज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बहुत ही बढ़िया तरीके से एकदम अच्छे से क्लियर हो चुका है।